शहर बेंगलोर में सैयदा ज़ैनब फाउंडेशन की जानिब से 11वीं शरीफ का शानदार इनेकाद अमल में लाया गया था। उसकी दूसरी किस्त हम आपके सामने पेश कर रहे हैं, जिसमें हज़रतुल अल्लामा मौलाना सैयद आलमगीर अशरफ़ी जीलानी के अलावा सैयद गौस मोहीउद्दीन सज्जादा नशीन आस्ताना दादा हयात मीर खलंदर रहमतुल्लाह अलैह, इनके अलावा सैयद सूफ़ी आरिफुल्ला हुसैनी वारसी के खिताबात भी हम आपके सामने पेश करेंगे। मुलाहिदा कीजिए। एजुकेशन के बिना ना ही अच्छा समाज बन सकता है। एक अच्छे समाज के लिए तालीम की जरूरत है, इसीलिए सैयदा ज़ैनब फाउंडेशन का क़याम हुआ, ताकि कौम के बच्चे और बच्चियों को तालीम से आरास्ता किया जाए, ताकि एक अच्छा समाज, एक अच्छा माशरा और एक अच्छी सोसाइटी बन सके। जी ये देखिए, जो लोग भी इस धरती पर, चाहे हिंदुस्तान हो बल्कि मैं कहता हूँ धरती पर भी, अगर उनको बुजुर्गों से मोहब्बत है, बुजुर्गों से लगाव है, तो उनके अंदर इंसानियत होगी। इंसानियत इसलिए होगी कि हर बुजुर्ग का मिशन था मोहब्बत। करीम नवाज यही फरमाते हैं कि मोहब्बत सबके लिए, नफरत किसी से नहीं। तो जो टॉलरेंस थी, जो उनके वहाँ लव जो है कंडीशन के साथ नहीं होता, वहाँ लव अनकंडीशनल होता है। तो जहाँ पे अनकंडीशनल लव हो, वहाँ समाज नहीं देखा जाता, वहाँ धर्म नहीं देखा जाता, वहाँ जात नहीं देखी जाती, वहाँ पे बिरादरी नहीं देखी जाती, वहाँ पे सिर्फ मोहब्बत बांटी जाए ये देखा जाता है। जितने भी इसके बावजूद दीगर मजाहब के लोग बिल्कुल उसी तरह फाउंडेशन भी लोगों की, जाहिर सी बात है। आप देखिए कि अब इसमें आप खुद गौर कीजिए कि इसकी निस्बत हजरत सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा से, अब वो करबला का दौर याद कीजिए और करबला से पहले का दौर याद कीजिए कि चादरें छीन ली गई, जुल्म के साथ शाम के दरबार में ले जाया गया। आज वही हजरत ज़ैनब के नाम से लोगों के सरों में चादरें दी जा रही है, आज हजरत ज़ैनब के नाम से लोगों को कपड़े बांटे जा रहे हैं, आज लोगों के सरों पर ओढ़नियां दी जा रही हैं। तो यकीनन हजरत ज़ैनब का जो मकसद था, वो मकसद सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन के जरिए पूरा किया जा रहा है। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन का ये 10वां वार्षिक से सूफी सैयद आरिफ हुसैन शाह वारसी बोल रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह सैयदा ज़ैनब फाउंडेशन की जानिब से हमारे अतीक अहमद साहब, ये 10वां जो है जश्न गौसे आज़म मना रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इससे ये पैगाम जा रहा है कि सारी दुनिया में जो है हम मशायखीन हजरात औली अल्लाह जो है सारी दुनिया में जो है मोहब्बत का पैगाम दिया, जैसा कि सरकार हाजी वारिस अली शाह फरमाते हैं कि सुना सुना मोहब्बत करो हसद से बचो। हम सूफियों ने सारी दुनिया को जो है मोहब्बत का पैगाम दिया है, उसी तरह आज जो है इस जश्न गौसे आज़म में अल्हम्दुलिल्लाह हम सूफियों का पैगाम जो है मोहब्बत का पैगाम सारी दुनिया को दिया है। और अल्हम्दुलिल्लाह जो है ये जो है इस तरह जो है महफिल जो है हमारे जो है अतीक अहमद साहब और हमारे जो है इस्माइल साहब अल्हम्दुलिल्लाह ये 10वां जो है जश्न गौसे आज़म मना रहे हैं, जिसमें हम शिरकत फरमा कर हम समझते हैं कि जो है ऐसी महफिलों में हम जो है शिरकत करना जो है सवाब। मैं आस्थान हज़रत दादा हयात मीर खलंदर का सज्जादा नशीन हूँ। ये मेरा पहला इजलास है अतीक अहमद साहब के पास, इससे पहले वो बहुत दावत दे चुके थे, मैं नहीं आ सका। इंशाल्लाह ये जो 11वीं का जो सिलसिला शुरू हुआ है गौसे आज़म दस्तगीर के हवाले से, और गौसे आज़म दस्तगीर कभी भी किसी को ये नहीं कहा कि आप कौन, वो सिर्फ मोहब्बत का पैगाम दे रहे थे। और हम जो सूफियों को फॉलो करने वाले हैं या उनके मानने वाले हैं आज जो